मैं ही जीतूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं बिगफुट जीत जाऊंगा, मैं ओलंपिया जीत जाऊंगा, शेरू जीत। आपको क्या लगता है कभी प्रो शो जीत पाओगे? तो निकल भाई यहाँ से। HCL क्रिटेन ओनली, आई डोंट यूज मोनोहाइड्रेट, आई ओनली यूज HCL। कटिंग थी हमारी कल, चलो कोई नहीं, कल मैं मैगी खा के आऊंगा कल। दोस्तों सर्दी के लिए एक बहुत अच्छा सेव बताऊंगे, अल्टीमेटली हमारी कल, चलो कोई नहीं, कल मैं मैगी खा के आऊंगा कल। मैगी वाली बॉडी पाट देगी और लेकिन फिर मेरे पिताजी कहेंगे वही बात है, हमने मैगी मूगी तो खाई नहीं। वो एक पता नहीं क्या बात चल रही थी, तो कुछ बात आ गई टांग की, मतलब टैंग मतलब पैर, तो पिताजी कह रहे यार इससे तगड़े तो मेरे पैर, मतलब लोग टैंग बोलते हैं, हमारे पैर बोलते हैं, पैर टांग। तो बात उतनी करनी चाहिए आदमी को जो समाज के लिए अच्छी हो, जो यूथ के लिए अच्छी हो, और जो आपको ना थोड़ा लोगों से नजर में नजर मिला के आपको जिंदा रखे, मतलब आप सामने रहो, लोग कहें भाई आप अच्छे हो। ये बेतुकी बातें सबको पता है, किसको नहीं पता? बिल्कुल सर। क्या अच्छा है बताओ अन्य, एक मिनट, हमारे पिताजी या मेरे तो ज्यादा जीवन में जवानी नहीं आई थी, बिल्कुल आई थी भाई, सब अपने टाइम के बादशाह थे। तेरे बताने से ये नहीं होगा कि वो ये सीख जाएगा, छोटे छोटे बच्चे गाली सब जानते हैं, लेकिन बच्चे के आगे गाली देनी गलत बात है और बच्चों को गाली सिखानी गलत बात है, बिल्कुल वो अपने आप सीख जाएंगे। ऐसा कौन है जिसको इन बातों का नहीं पता? आज तो मेरे ख्याल से छठी सातवीं में बच्चा इतना तेज होता है, सब सीख जाता है, और उस चीज को ना सिखा सिखा के फेमस होना, दो पैसे ज्यादा आना, चलो अच्छी बात है, भगवान करे आप फले फूलो दूधो ना हो, लेकिन खुदा ना खासा कई बार ऐसा होता है आप कहीं मार्केट में जाओ और वहाँ तीन चार मेंटल मिल जाएं, फिर वो पकड़ के क्लास लेंगे बहुत बुंडी। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो भाई किस चीज से डरेंगे, वो क्यों डरना, जब समाज को तू बता रहा, मैं भी बता दे खड़े होकर रोड पे, बिल्कुल सर वहाँ बताया नहीं जाएगा। तो कौन है जोकर ये पता लगेगा 10 दिन, 10 more days to go, जो असली जोकर है वो सामने आएगा। 9 days to go, 9 days to go. इंसान क्यों कम्पीट करता है भाई, क्यों वो चाहता है कि उसके पास प्रो कार्ड आए, गोल्ड आए, ताकि लोग उसे जाने से प्यार करें, वो हमें वैसे ही मिल रहा है, तो क्या करना है प्रो कार्ड का गोल्ड का। राम राम भाई जी, आपको देख के दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू भाई अभिषेक गुजर भाई, आप भाइयों का प्यार मिल रहा है। देखो आज के समय में कोई किसी को फ्री में गाली भी नहीं देता है, ठीक है, और आप लोग दिल से इतना प्यार दे रहे हो, तो ये प्रो कार्ड से बढ़ के थोड़ी है भाई। प्रो कार्ड है गोल्ड है, जीत के घर रख दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग देखो इतनी इज्जत देते हो, इतना प्यार देते हो, इससे बढ़ के क्या है? अच्छा भाई, डॉक्टर चॉइस और बिग मसल जेन्युइन सप्लीमेंट देते हैं क्या? भाई देखो जिस हिसाब से इनकी वो आई है, वीडियोस बनी है, लैब रिपोर्ट वगैरह, उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकली है, लेकिन भाई जब तक वही लैब रिपोर्ट मैं ना कराऊं, मैं कैसे किसी के बारे में बोल सकता हूँ? मेडल की कांग्रेस, थैंक यू भाई, ज्यादा बोले से कुछ नहीं होता, हमने करके दिखाते हैं जो आप करते हो सर, थैंक यू भाई जी। राम राम भाई, मैं कह रहा हूँ भाई कुछ लोग ना जानबूझ के ब्लेड हामिद भाई, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं कह रहा था क्या, देखो एक एथलीट का काम होता है कम्पीट करना, ठीक है, अब एक फौजी है, फौजी बॉर्डर पे एक आता रहेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फौजी क्या करता है चुपचाप रहता है, जब उसके देश को कोई छेड़ता है वो डंडा डाल देता है अंदर उसके, ठीक है। तो एक एथलीट का काम है खेलो भैया, अपना कॉम्पिटिशन आता है उसकी प्रेप करो, चुपचाप खेलो, अपने मेडल से जवाब दो, बात खत्म। लोग ये गाते रहेंगे मैं ही जीतूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं बिगफुट जीत जाऊंगा, मैं ओलंपिया जीत जाऊंगा, शेरू जीत करना, उन्हें गधी की देखिए बीप कुछ नहीं है। नहीं भाई कंपटीशन में जा रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ भाई, अपने किसान हो गया। अल्टीमेटली इसका एक ऑब्जेक्टिव है खान, दो वक्त की रोटी। अब ये दो वक्त की रोटी की जब बात की तो बहुत हजार साल पहले की बात है, हम लोग हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, दिन में 20 किलोमीटर चलना, 30 किलोमीटर चलना, बड़ी आम बात ओपनिंग स्टार्ट शिकार के पास। तो भाई थैंक यू सो मच TNBK टीम, आज हमारे जिम पे इनॉग्रेशन पे और साथ साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। देखो ये होता भाइयों का प्यार, हैप्पी बर्थडे भाई, ये भाई गुप्ता जी,
और ये हमारा भांजा देखा भाई कहाँ है यूथ, ऐसे ही लड़कों को हमें बॉडी बिल्डिंग सिखानी और बतानी और न्यूट्रिशन की नॉलेज देनी है। टीएनपी लेते रहो भाई, पॉलिटिशन मेरा बेस्ट है। देखो देखी मैं हैवी वेट मारते राधे राधे भाई, हैवी वेट मारते और पीठ वीट हिला लेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो मैं राउंड फिटनेस खेलेगा उसमें पार्टिसिपेट मत करना, वो आपको जीतने देगा। ओ ओ माय बॉय माय क्राई बेबी इट्स ओके ब्रो, हार जीत का ही खेल होता है, कभी वो तो कभी हम। तेरे पिंपल का इलाज बताओ सबको, यूज कोलेजन, कोलेजन इज द बेस्ट सोर्स टू क्योर योर पिंपल्स, यू क्योर योर स्किन, क्वालिटी भी अच्छी होती है, हेयर्स भी अच्छे होते हैं, जॉइंट्स भी अच्छे होते हैं, नेल्स भी अच्छे होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है और वाइब्रेंट स्किन होती है। तो यूज कोलेजन एंड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, ट्राई टू ड्रिंक 3-4 कोकोनट वाटर इन अ डे एंड योर स्किन गोना बी शाइन लाइक हेल भाई। बट कोलेजन इज द बेस्ट सोर्स जिससे आपका आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी होती है एंड दैट्स अ फैक्ट। हेलो गो विद द फ्लो, फ्लो विद द गो। सैम भाई हेलो, तरन विल फॉर्मूला ईट वाइग्रा बिफोर वर्कआउट, फिर बाइसेप्स नहीं खड़ा होगा रे, कुछ और हो जाएगा। नहीं मिलता कोलेजन, विच ब्रांड यू कैन यूज कोलेजन ऑफ स्टेडफास्ट और एक ब्रांड और था यार, कौन सा ब्रांड था, न्यूट्री केयर करके, वैसे स्टेडफास्ट का भी अच्छा है भाई। भाई हिलाने वाली आज नहीं छूट रही है, कोई इलाज बताओ, बांध के रख लो भाई, हिलना बंद हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इन वॉट वर्कआउट और लो कार्ब डाइट और डू एनाबॉलिक प्ले मेजर रोल ब्रो, कंसिस्टेंसी इन लाइक माय एनाबॉलिक इज काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं, ऑल पेप्टाइड ऑल स्टैक सब बंद पड़ा है। दिस बॉडी विद द डाइट एंड वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट प्रॉपर डाइट, सारा खेल ही डाइट का यार। एनाबॉलिक कितने मर्जी यूज कर लो, जब आप एनाबॉलिक्स यूज करोगे उसके बाद आप उसको प्रॉपर डाइट और वर्कआउट नहीं दोगे तो वो ऑब्वियसली नुकसान करेंगे। शुगर फ्री गुड या मैं भाई चीनी खाता ही नहीं हूँ, मुझे ऑलमोस्ट चीनी खाए शुगर खाए 10 साल हो गए होंगे, इट्स बीन 10 ईयर्स। खाता हूँ समटाइम्स लाइक दिस, इतनी सी क्वांटिटी में अगर कुछ मीठा खाने का मन करे तो सिर्फ उतना खाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाता। बट अबाउट सुनीत यादव यार, सुनीत भाई इज डिजर्विंग दिस टाइम टू गो टू ओलंपिया, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। एज क्या है आपकी भाई, एज है मेरी 28, अभी हुआ यार पिछले महीने जब मेरा शो था उससे 2 दिन पहले, तो मेरा बर्थडे था 27 को। कार्डियो कितना टाइम करना चाहिए, अगर आपको अच्छी कंडीशनिंग चाहिए देन यू हैव टू डू कार्डियो लाइक हेल, यू लव कार्डियो, यू हैव टू लव, यू गोना बी इन रिलेशनशिप विद कार्डियो इफ़ यू नीड अ गुड कंडीशनिंग। हेलो भाई व्हाट्स योर, दो भी लो दो लो, चार भी ले सकते हैं भाई। सैम भाई आप क्रिटेन कैसे लेते हो, मैं भाई क्रिटेन लेता हूँ HCL क्रिटेन ओनली, आई डोंट यूज मोनोहाइड्रेट, आई ओनली यूज HCL। कोल्ड फिटनेस आर माय फेवरेट, थैंक यू भाई। गेनिंग के लिए प्रोटीन बता सकते हैं गेनर भाई, प्रोटीन इफ यू नीड अ गुड मसल साइज, इफ यू नीड अ गुड क्वालिटी मसल देन ईट प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन। डेली कार्डियो से मसल पे मास पे इफेक्ट आता है, हाँ मसल मास पे इफेक्ट वो आता है कि आपकी बॉडी क्लियर हो जाती है भाई। HCL मोनोहाइड्रेट में क्या फ़र्क है, HCL क्रिटेन इज अ फास्ट एक्टिंग क्रिटेन, आपको लोड करने की जरूरत नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ वगैरह सब बढ़ जाती है और स्टोन वोन का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक पानी भी कम पिएगा तो चलेगा। लेकिन मोनोहाइड्रेट के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, लाइक यू हैव टू लोड इन योर बॉडी, लाइक पहले 5 दिन आपको लोड करना पड़ता है, उसके बाद यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 6-7 to 8 liters ऑफ वाटर डेली, तब जाके उसके जो इफेक्ट हैं दिखते हैं और साइड इफेक्ट कम होते हैं, लेकिन HCL का ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू प्राइवेट। आपको क्या लगता है कभी प्रो शो जीत पाओगे, तो निकल भाई यहाँ से चमचा। सैम भाई बेस्ट प्रोटीन नेम डिवाइन न्यूट्रिशन, सैम भाई से तगड़ा कोई नहीं, सैम भाई से तगड़ा कोई, अरे यार गाली गालियों के चक्कर में क्लेश जो रखे हैं फिर गाली दे रहे, मत दो अभी शांत रहो थोड़े दिन भाई। कार्डियो में साइकिलिंग भी कर सकते जी भाई, बेस्ट कोलेजन ब्रांड ब्रो आप स्टेडफास्ट यूज कर लो, एक ब्रांड हो रहा है मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा यार भाई, चीट मील गिल्ट फ्री ब्रो, मैं चीट करता हूँ मटन बर्गर के साथ बट वो बिल्कुल क्लीन होता है, बीट बन के साथ मटन पैटी दैट्स इट। कैन यू प्लीज ट्रेन मी, कैन यू प्लीज गिव मी सम मनी बडी। दोस्तों सर्दी के लिए एक बहुत अच्छा शेक बताऊंगे, जैसे भाई गर्मी में ज्यादा अंडे नहीं खा सकते पूरे, येलो पार्ट कम खाते हैं हम, और कुछ धारणा ऐसी बन गई कि ये गर्मी करता है,
और थोड़ा होता भी बॉडी बीट होती है उससे। तो जैसा अभी सर्दी चल रही है, सर्दी के लिए बहुत बढ़िया शेक बताऊंगे भाई। जैसा आपने वर्कआउट किया, कोई भी एथलीट इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो जैसा अभी आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद में आप क्या करना, यहाँ से जैसे घर जाते हो, घर जाके आपको क्या करना, एक बर्तन में 2 चम्मच घी डाल लेना, देसी घी, ठीक है। घी को गर्म करो अच्छे से, उसमें 10 बादाम डाल लो पीस के, बारीक करके, ठीक है। उसमें 10 बादाम डाल लो, उसके बाद में आप उसमें करीब 1/2 लीटर या 1 पाव, जितनी बंदे की कैपेसिटी जितना पी सके उसमें उतना दूध डाल दो, 1 पाव या 1/2 लीटर। देख हम तो जैसे हम पीते हैं कम से कम 1/2 लीटर दूध लेते हैं, ठीक है। तो उसमें दूध डाल लो, दूध डालने के बाद में जब वो गर्म हो जाएगा अच्छे से, तो उसको बोलते हैं देसी भाषा हम दूध छोंक लो, ठीक है। तो भाई घी बादाम डाल के उसमें दूध छोंक लो, 1/2 लीटर दूध छोंक के उसको उतार के उसमें अंडे तोड़ लो। जैसे भाई बंदे की जितनी कैपेसिटी है, हम तो 5 अंडे उसमें तोड़ लेते हैं, 5 अंडे उसमें तोड़ लो। अंडे तोड़ने के बाद में जब अच्छी तरह से मिल जाए उसको थोड़ा सा ठंडा करो, उसको पियो, ठीक है भाई। बहुत अच्छी रिकवरी देगा आपकी बॉडी को, आप करके देखना। पीते ही आपको ऐसा लगा जैसे दोबारा बॉडी रिकवर होगी, दोबारा आप वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा महसूस होगा आपको। पीते ही आपके पतंगे से काटेंगे। मैंने रजत को बताया था, रजत कर भी रहा अभी। रजत कैसा लग रहा भाई? मतलब ऐसा हो रहा है बॉडी में थकावट नहीं रहती बिल्कुल भी, बॉडी में रिकवरी, मसल रिकवरी सब एकदम ओके करता है बॉडी को, ऐसा करता है कि तू थका नहीं है। 5 अंडे मतलब ये समझो भाई 30 ग्राम प्रोटीन तो 5 अंडे में हो गया आपका, ठीक है। 1 मील का प्रोटीन आपका पूरा हो गया और बहुत बढ़िया शेक है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाते ही तुरंत 1/2 घंटे के अंदर अंदर ये शेक ले लो। जो बंदे प्रोटीन ही यूज कर सकते तो प्रोटीन से अच्छा ये शेक ले लो आप जाकर, ठीक है। इसमें फैट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और भाई इसमें प्रोटीन भी पूरा आपको मिल जाएगा। अगर बंदे की कैपेसिटी कम है भाई, छोटे वेट का बंदा है, 5 अंडे ज्यादा होते हैं कुछ उससे दिक्कत होती है, तो 2 अंडे ले लो, 3 अंडे ले लो भाई। ये आप सर्दी में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यूज करके देखो, कमेंट्स में डालना। अगर आपको सही लगे तो सही लिखना और गलत लगे